नमस्कार दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज की बात करें तो शाहरुख खान को जिंदा जला दूंगा बेशरम रंग गाने को लेकर अयोध्या के महंत ने दी धमकी। शाहरुख खान को जिंदा जला दूंगा बेशरम रंग को लेकर अयोध्या के महंत ने दी धमकी। अयोध्या के महंत परमहंस आचार्य ने शाहरुख खान को धमकी दी है बेशरम रंग गाने को लेकर। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान कहीं मिल गया तो उसको मैं जिंदा जला दूंगा। पठान फिल्म के बेशरम गाने पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोज ही इस गाने को लेकर धमकियां दी जा रही है और शिकायतें दर्ज की जा रही है। अब अयोध्या के महंत परमहंस आचार्य ने इस विवाद को और तूल दे दिया है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा, अगर शाहरुख खान मिल गया तो मैं उसको जिंदा जला दूंगा, अगर किसी और ने जलाने का साहस किया तो उसका मुकदमा मैं खुद लड़ूंगा। परमहंस आचार्य ने कहा, पठान फिल्म में हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है। आज हमने शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है। हम खोज रहे हैं कि अगर शाहरुख खान कहीं मिल गया तो मैं उसको जिंदा जला दूंगा, अगर किसी ने जलाने का साहस किया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा। मैं अपील करता हूं कि इस तरह की फिल्म का बहिष्कार होना चाहिए। इससे पहले महंत राजूदास ने भी लोगों से कहा था कि जहां भी पठान फिल्म दिखाई दी जाए उस थिएटर को आग लगा दे। उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड और हॉलीवुड हमेशा सनातन धर्म का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से दीपिका पादुकोण ने बिकिनी के लिए भगवा रंग का इस्तेमाल किया है वह हमारे लिए बहुत ही दुखद है। उन्होंने कहा, क्या भगवा बिकिनी पहनना जरूरी था? मैं लोगों से अपील करता हूँ कि इस तरह की फिल्म का बहिष्कार करे। जहां भी फिल्म दिखाई दी जाए उस थिएटर को आग लगा दे, नहीं तो उनके समझ में बात ही नहीं आएगी। बुराई से लड़ने के लिए उसी की भाषा में बात करनी पड़ती है। बेशरम रंग गाने का मुद्दा सियासी गलियारों में खूब गर्म है। कई भाजपा नेता इसका विरोध कर चुके हैं।